नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक बार फिर फार्मासिस्ट वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल पीके फार्मा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, बहुत से एग्जामों के पेपर डिस्कस करते हैं, तो उन सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप सभी को बता दें कि IIT रुड़की के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 8 अप्रैल 2021 को। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल किए जा रहे हैं। इसकी ऑनलाइन फिलिंग की डेट जो है वो भी रिलीज कर दी है 12 अप्रैल 2021 से 11 मई 2021 तक, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई होंगे। इसकी वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे कि आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। तो आइए बात करते हैं अब किस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी है और कितनी क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या एज लिमिट है और क्या पे स्केल रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जूनियर टेक्निकल की। तो हम मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे फार्मासिस्ट वैकेंसी पर। इसके अलावा जो कोई अदर फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। जैसे जूनियर टेक्निकल की एक पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की भी एक पोस्ट है, कोच की भी है यहाँ पे 6 पोस्ट, उसके बाद है जूनियर सुपरिटेंडेंट की, तो जूनियर सुपरिटेंडेंट की 31 पोस्ट है। इसके बाद में जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा बी ग्रुप, इसकी एक पोस्ट है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, ग्रुप सी की फार्मासिस्ट की पोस्ट है, जो कि हॉस्पिटल सर्विस के अंदर आपकी ड्यूटी रहने वाली है, यानी आपकी ड्यूटी रहेगी हॉस्पिटल के अंदर। जो IIT रुड़की का हॉस्पिटल है उसमें आपकी ड्यूटी रहने वाली है, वहाँ के स्टाफ के लिए। जैसे SBI में आई है वैकेंसी, उसी तरीके से यहाँ पे भी रुड़की IIT में वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने SBI का फॉर्म फिल नहीं किया हो तो ऊपर आई बटन पर, आई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देखकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मासिस्ट की एक पोस्ट है, वो भी जनरल की है। तो यहाँ पे जनरल के कैंडिडेट या फिर SC ST OBC EWS के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनरल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जनरल से फॉर्म फिल करने के लिए आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जो SC ST OBC या EWS के अंदर है। तो आपकी अगर आयु 18 से 27 वर्ष के बीच में है तो आप कोई सी भी कैटेगरी में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपका यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है लेवल 5 का, जिसमें आपकी 29,200 से 92,300, एंड बहुत अच्छी सैलरी पैकेज भी रखा गया है। तो ये थी पोस्ट कितनी क्या है उसके संबंधित इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में बात करते हैं अब हम कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एज ए फार्मासिस्ट आपको 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम के साथ में होना चाहिए। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास वो होना चाहिए। उसके अलावा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। फिर मैं बता दूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आप 4th सेम में हो या फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंटों के क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं 4th ईयर में हूँ, सर मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ, मैं एग्ज़ाम फिल कर सकता हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो ऐसी कोई नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और रजिस्ट्रेशन की कॉपी है आपके पास तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में बात करते हैं हम आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी क्या रहने वाली है। तो दैट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पेबल नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ RS 250, यानी आपके 250 रुपये नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस होने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप IIT रुड़की के अंदर हो तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट हो तो भी आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। इसके अलावा कोई दिव्यांग है या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो इनकी भी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जनरल की पोस्ट है तो जनरल में सभी को फॉर्म फिल करना है, चाहे वो SC का हो ST का हो, तो सभी का यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट का नहीं लगेगा, दिव्यांग का नहीं लगेगा और IIT रुड़की के अंदर जो है उनका नहीं लगेगा। इसके अलावा फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका फॉर्म फी लगेगा। इसके बाद में बात करते हैं, आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 12 अप्रैल 2021 से 21 मई 2021 तक। इसकी
लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। बाद में आता है एज ए रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जनरल में पोस्ट है, तो जनरल की एक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो एससी एसटी से आपको कोई लेना देना नहीं है, ना ओबीसी से, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करोगे। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इतना मायना नहीं रखता। आपकी एज अगर 18 से 27 है तो ही आप फॉर्म फिल करना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें और इसके अलावा पॉइंट नंबर 11 पे की बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आर टेंटेटिव एंड मे बी वेरी, तो जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं अभी ये संभावित है, ये कम ज़्यादा की जा सकती है। इसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन, ये जो पॉइंट नंबर 13 दे रखा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेंशन द करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस और एप्लीकेशन एंड इश्यू, यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करते हो तो वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव फॉर्म वाले ही फिल करना, क्योंकि आपको मेल या मोबाइल नंबर के थ्रू भी कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 की। पॉइंट नंबर 16 में दे रखा है, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी ड्यूटी मेन कैंपस, सहारनपुर कैंपस या ग्रेटर नोएडा कैंपस के अंदर दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 की। तो पॉइंट नंबर 18 में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या होने वाला है, तो आपको बता दें आपके यहाँ पे TRI फर्स्ट एंड TRI सेकंड दो टायर होने वाले हैं। इन दोनों टायर में पहले टायर के अंदर आपकी रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा जिसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिकल अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी पूरा एसएससी का सिलेबस आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। फार्म पार्ट का टायर फर्स्ट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में टायर सेकंड के अंदर आपको जॉब ओरिएंटेशन रिटन टेस्ट हो सकता है आपका, या फिर टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है ऑन कंप्यूटर, हिंदी या इंग्लिश कोई सी लैंग्वेज में। तो ये आपको एडमिट कार्ड जब आपके आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि टायर सेकंड के अंदर क्या होने वाला है। अभी आप एसएससी का जो भी सिलेबस है, जनरल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आप अच्छे से लर्न कर ले, ठीक है, यही आपका मेन सिलेबस है। इसके बाद में टायर सेकंड के अंदर आपसे फार्मेसी से संबंधित इंटरव्यू टाइप का भी हो सकता है, या फिर आपकी टाइपिंग जिस पोस्ट के लिए है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन IIT रुड़की के संबंधित। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है वहाँ ज्वाइन करके आप अपनी क्यूरी कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।